Hey guys, welcome back to Vakas Franchise. आज की वीडियो OTT and VOD स्पेशल होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारी मूवीज़ की OTT और VOD रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है जो कि आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट मूवी है सुपर मारियो ब्रोस। यह डिज्नी की एनिमेशन कॉमेडी मूवी है। कमाल की बात यह है कि इस मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर $1 मिलियन से भी ज़्यादा कमाई की है। ये मूवी सुपर मारियो गेम पर बेस्ड है। जिन लोगों ने इस मूवी को थिएटर के अंदर देखा था उन लोगों के ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब जो लोग इस मूवी को OTT या फिर डिजिटल पर देखना चाहते थे इसका बुक माई शो पर जो प्रीमियर है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब करंटली बुक माई शो की तरफ से जो बताया गया है 19 मई को ये मूवी हिंदी और दूसरी लैंग्वेज में स्ट्रीम करती हुई मिलेगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है जॉन विक चैप्टर 4। ये हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी है। इस मूवी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मूवी 23 मई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए मिल जाएगी। अब इसकी हिंदी डब के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। हो सकता है कि ये मूवी उस दिन या उसके अगले वीक हिंदी में देखने को मिलेगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है एंट मैन एंड द वेस्प क्वांटमेनिया। इस मूवी के बारे में जो करंट अपडेट्स आई हैं वो ये कि डिज्नी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि ये मूवी 17 मई को हॉटस्टार पर हिंदी में और दूसरी लैंग्वेज में स्ट्रीम करते हुए मिलेगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है भेड़िया, जो जिसका इंतज़ार हिंदी वाली ऑडियंस काफ़ी अरसे से कर रही थी। तो फाइनली अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये मूवी 26 मई को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम करते हुए मिलेगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है द पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। ये जो मूवी है इसके ऊपर बुक माई शो की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है। इस मूवी की जो डिजिटल रिलीज है ये 18 मई को बुक माई शो के प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी और ये भी बताया जा रहा है कि ये मूवी हिंदी में ही देखने को मिलेगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है अवतार द वे ऑफ वाटर। इस मूवी की OTT रिलीज का ऑडियंस काफ़ी अरसे से वेट कर रही है। पहली जो अपडेट थी ये मूवी डिजिटल रिलीज होने के बाद मई के महीने में लास्ट तक देखने को मिल सकती थी, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आपको शायद जून के फर्स्ट वीक तक का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही डिज्नी की तरफ से कोई अपडेट या अनाउंसमेंट होती है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।